बाज़ वाक़ियात और ख़ास तौर पर गरीब बस्तियों में हमारी हालात तो इतने दिगर गो हो जाते हैं, यकीन माने आप कई मामलात में हम खुद सामने रह कर देखे हैं कि बेटा बाप पर भी हाथ उठा रहा है और माँ पर भी हाथ उठा रहा है। वजह क्या है? वजह बस इतनी ही है कि उन माँ बाप ने भी बच्चे की परवरिश में अल्लाह उसके रसूल की सीरत को सामने नहीं रखा। देखो आप कितने जनाजे आते हैं, जनाजे आने के बाद मुल साहब कहाँ हैं, ज़रा चलिए नमाज पढ़ाइए। क्यों? जो बाप पूरी जिंदगी बल्कि तेरे होश में आने तक माँ और बाप ने तेरी गलाजत को तक साफ करने का काम किया है, तुझे कपड़े तक जो है ना पहनने नहीं आता था वो तक पहनाए हैं। माँ तो हालत उसकी ये थी कि तू पेशाब कर कर जो है ना जब बिस्तरों को गीले कर देता था, कच्चे कर देता था, माँ के पास कोई दूसरा जो है ना बिस्तर नहीं होता था तो वो कच्ची जगह पे आप सोकर तुझे अपने पेट पर सुलाती थी, तुझे इन चीजों का तक एहसास नहीं। जैसे ही कोई मर गए देखो आप गुसल देने वाला तक हमारी बस्तियों में नजर नहीं आता। बाप मर गया बेटा गुसल देने को तक परेशान है, अब गसालों को ढूंढते फिर रहे हैं, ये हमारे किरदार है। होना तो क्या चाहिए था कि बेटा खुद गुसल देता। जो बेटे को एक बाप से रिश्ता है वो किसी दूसरे को नहीं हो सकता वैसा रिश्ता। इसीलिए तो अहकामात क्या हैं कि जब अपना कोई करीबी मर जाए तो उसे जो है ना खानदान का आदमी उसके लिए नमाज जनाजा का एहतमाम खुद करे। क्यों करे? इमाम तो उससे भी काबिल है, आलिम उससे भी काबिल है, मुफ्ती और उससे भी काबिल है। बुजुर्गों अजीज साथियों, यहाँ बात काबिलियत की नहीं है, यहाँ बात जो है ना उसके दिल में जो दर्द है वो एक आलिम के दिल में दर्द नहीं हो सकता। अगर वो बाप के जनाजे पे ठहर कर अपने हाथों को कांपते हुए कानों तक उठा रहा है और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने दिल से ये कह रहा है कि पाक परवरदिगार इस बाप ने जो है ना जब मेरी हड्डियां कमजोर थी, जब मैं खुद से अब हाथों से निवाले बनाकर नहीं खा सकता था, ये बाप ने मुझे खिलाया है, ये धूप में काम कर कर मेरी परवरिश की खातिर मुझे छांव में रखने के लिए ये धूप में मेहनत और मजदूरी किया हुआ है। पाक परवरदिगार यकीनन मुझसे गलतियां हो गई है, आज ये बाप को तेरे हवाले कर रहा हूं मौला, यकीनन तू तो हमारा रब है, तू रहम फरमा, जो बेटे के दिल से निकलेगा वो मेरे दिल से नहीं निकल सकती बात, नहीं निकल सकती बात।